कोर्स पेंटिंग की ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद अब बारी है इसे पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए इसे मैं बालकनी में ले आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट वॉश लगाने में बहुत ज्यादा कलर गिरता है। फर्स्ट वॉश हम इसलिए लगाते हैं ताकि कलर जजमेंट प्रॉपरली हो पाए, कैनवास के जो व्हाइट ग्रेन्स हैं वो भी प्रॉपरली फिल हो जाए, एंड देन इसका फिर मैं बैकग्राउंड कर लूंगा ब्लैक कलर से। वैसे तो पेंटिंग में डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज नहीं करते हैं, बट मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं इसको येलो कलर से बैलेंस आउट करने वाला हूँ। तो येलो एक्वर की हेल्प से मैं थोड़ा सा इसको फेड कर दूंगा। अगर डायरेक्ट हम ब्लैक लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा टेक ओवर कर लेता है ब्लैक पेंटिंग को। फिर बाद में मैं गैलरी से वापस आ जाता हूँ अपने रूम में, स्टूडियो में, जो भी कह लो यार, रूम स्टूडियो सब सेम है। और ये पैलेट को देखो, एक्रेलिक पैलेट का यही हाल होता है। तो इस पैलेट को तो अभी काम नहीं चलने वाला, इसके लिए मैं दूसरी पैलेट बना लेता हूँ, जुगाड़ू पैलेट अपनी थोड़ी देर के लिए। जो भी चीज मिलती है मैं उसको पैलेट बना लेता हूँ। और इस पैलेट में मैं सिर्फ 3 कलर यूज कर रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा, जो कि है रेड, येलो और ये वंसियाना ब्राउन कलर। तो ये सिर्फ 3 कलर है आज मेरी पैलेट में, और इन्हीं 3 कलर की हेल्प से आज मैं ये पूरी पेंटिंग फिनिश करने वाला हूँ। और पेंटिंग फाइनली फिनिश हो जाती है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है यार। आप जरूर कमेंट करके बता देना कैसी लग रही है आपको। ओके बाय।